हम लोग एज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन ये कि अंशु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निशु। अंशु जो है वो प्रेजेंट एज में दुगना है निशु का एज का, ठीक है। और बोल रहा है 5 ईयर्स एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स निशु एज, मतलब 5 साल पहले निशु का एज का 3 गुना था अंशु का एज, मतलब 5 साल पहले जो है अंशु का एज 3 गुना था निशु का एज का। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगा, मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ अंशु निशु, प्रेजेंट एज ऑफ निशु, निशु एक्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अंशु क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ अंशु वो होगा ट्वाइस 2x, ठीक है। और अब फिर 5 साल पहले, अब करते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या था, तो प्रेजेंट एज में 5 साल पहले अब करेंगे निशु का एज, तो 5 साल पहले निशु का एज क्या होगा, निशु एज 5 साल पहले वो होगा x माइनस 5, ठीक है। और अंशु का एज, अंशु का एज 5 साल पहले वो होगा 2x-5। ये समझ में आया, ये हमने कैसे किया 5 साल पहले। अब बोल रहे हमने ऐसा क्यों, क्योंकि 5 साल पहले हमको निकालना था प्रेजेंट एज से, इसलिए 5 साल पहले किया। उसके बाद हिज एज वाज 3 टाइम्स निशु एज, तो अंशु का एज जो है 5 साल बाद, 5 साल पहले अंशु एज जो है वो 3 टाइम्स था निशु का एज का, 5 साल पहले की ये बात है, ठीक है, ये 5 साल पहले की बात है। तो अंशु का एज कितना, 2x-3, और निशु का एज है 3 × 5x-5, तो हो जाएगी 2x-5 और 3x-15। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हम लोगों को मिल गया क्या, अंशु का, निशु का एज जो है प्रेजेंट एज ऑफ निशु, प्रेजेंट एज ऑफ निशु ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, तो 10 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अंशु, प्रेजेंट एज एज ऑफ अंशु ये हो जाएगा आपका 10 × 2, तो 2 × 10 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि देखिए ये जो है प्रेजेंट एज ट्वाइस था 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 15, तो 3 × 1 है इसका अंशु का एज उससे 3 टाइम्स, तो यही चीज़ बोल रहा था। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इस टाइप का और भी कॉम्पिटिटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।